वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर कोरोना को लेकर क्या हालात हैं, वहां धरातल पर क्या स्थिति है, और इसी कड़ी में हमारे साथ वहां पर तेज तरार जो ओबीसी मोर्चा है उत्तराखंड भाजपा का, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश गिरी जी। इनके बारे में कहा जाता है कि लगातार इन्होंने कोरोना के इस काल में लगातार कार्य किया और संगठन के बीच लोकप्रिय हैं, संगठन पर खास पकड़ रखते हैं। उससे पहले स्वदेशी जागरण मंच में आप रहे हैं और इनसे जानेंगे कि वास्तव में उत्तराखंड बीजेपी ओबीसी मोर्चे का जो संगठन है वो क्या कर रहा है, बीजेपी क्या कर रही है और इनका क्या मानना है कोरोना के अंदर, किस तरह से कोरोना रुकेगा और वैक्सीन को लेकर क्या इनका कहना है। हमारे साथ हैं राकेश गिरी जी। राकेश गिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। संजय जी, धन्यवाद जी। राकेश जी, क्योंकि लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि आप भी कोरोना के अंदर बहुत तेजी से कार्य कर रहे थे, लगातार घूम रहे थे, लगातार सारी चीजें देख रहे थे, और आज जब कोरोना की स्थिति को लेकर बात हो रही है तो बहुत सारे, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए, जिस तरीके से चाहे वो कुंभ को लेकर सवाल खड़े हुए हो कि कोरोना का स्प्रेड जो हुआ वो उस तरीके से हुआ, उसके अलावा कोरोना के आंकड़ों पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें, आप कोरोना की स्थिति को कैसे देखते हैं और खासकर हरिद्वार को लेकर अगर हम जानना चाहें तो। संजय जी, पहले तो मैं आपकी टीम को बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जिस तरह से इस कोरोना महामारी के बारे में कुछ लोगों से अपने उनके विचार प्रकट करा रहे हैं और उनकी जो भावनाएं हैं, उसको क्या क्या काम उन्होंने किया है उसको आप अपने टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं, आपकी टीम को आपको बहुत बहुत बधाई कि आप समाज हित के कार्य जुड़े हुए समाज हित में ही दिखा रहे हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, सभी टीम के कार्यकर्ताओं को। आपकी टीम यहां पर मेरे बीच में आई हुई है और वो मेरे को एक तरह से लाइव आपके माध्यम से दिखा रही है। आपने जो प्रश्न किया कोरोना काल का, तो मैं संजय जी एक विषय को पहले आप छूना चाहूंगा जी, कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पहली लहर आई और वहां पर पूरे देश को सचेत किया और सचेत करने के बाद एक तरह से बताया कि लॉकडाउन लगा करके अपने आप को सुरक्षित भी उन्होंने कराया सभी कार्यकर्ता सभी लोगों को, हम कभी लॉकडाउन के बारे में कभी सुना भी नहीं था, लॉकडाउन होता क्या हमें पता भी नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने कर्फ्यू तो देखा है मगर लॉकडाउन नहीं देखा था, ये पहली बार हमने अपने जीवन में देखा जी। क्योंकि इस लॉकडाउन के कारण कितनी जिंदगियां बची है पिछले वर्ष, ये सब आप लोगों ने भी देखा होगा और उसी का परिणाम था कि पहली लहर में बहुत ही कम हमारे जनहानि हुई है। इस समय वर्तमान में जब दूसरी लहर आई मार्च में, तो उसमें भी सचेत किया गया, मगर उससे पहले जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन का बहुत अच्छी तरह से 11 महीने में प्रयोग करके समाज को दे दी थी, जनता को सामने वो वैक्सीन उपलब्ध करा दी और लगनी भी शुरू हो गई थी, मगर उसमें कुछ भ्रम ऐसा फैला दिया कुछ नेताओं ने कहा जाए, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने भी ऐसा भ्रम फैला दिया कि ये वैक्सीन नुकसानदायक हो सकती है, मगर ये बहुत ही गलत प्रचार किया गया और हमारे समाज में ऐसा प्रचार करना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे देश में जिसको वो वैक्सीन लग चुकी थी उस समय, तो मैं समझता हूँ कि इस दूसरी लहर में वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे थे, फिर रफ्तार भी पकड़ी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार आग्रह किया, बार बार टीवी पर आकर के हाथ जोड़ करके अपनी देवतुल्य जनता को संबोधित किया, ये मैं बहुत बहुत अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति आभारी प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कोरोना काल में कैसे अपने जनता की सेवा की, कैसे अपने जनता को बचा रहे हैं। वर्तमान में भी अभी जैसे आए और आकर के उन्होंने अपना राष्ट्र के नाम संबोधन किया, वैक्सीन के बारे में बोला, तो उन्होंने केंद्र को कहा कि केंद्र ही पूरा सभी लोगों को वैक्सीन लगाएगी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उन्हें एक तरह से प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी जो
निर्देश दिया कि 150 रुपए से ज्यादा उसका मूल्य नहीं लेना। ये भी मेरे प्रधानमंत्री ने गरीब तक के लोगों की सोचे, क्योंकि गरीबों की जनता, गरीब की सरकार है, और गरीब का जब कोई प्रधानमंत्री से ऐसे शिखर पर पहुंचा है तो वो जानता है गरीब क्या होता है। तो मैं एक विषय और बोलता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कि जब अगर नियत साफ होती है और नीति स्पष्ट होती है और व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है तो उसका परिणाम भी जरूर निकलता है। जैसे एक शब्द लिखता है, शब्द होता है चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना। ये मेरे प्रधानमंत्री जी पर वाक्य प्रदर्शित होता है। ऐसे ही मैं संजय जी दूसरा विषय मैं अपने प्रदेश के बारे में जो आपने बोला, मेरे प्रदेश के बहुत ही सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी को मैं कहना चाहूंगा उनके बारे में कि जैसे उन्होंने इस कोरोना काल में कुंभ में एक तरह से सबको समझाते हुए कि भारत की गाइडलाइन, भारत सरकार की गाइडलाइन को प्रयोग करते हुए आप लोग गंगा स्नान करिए, दूरी बनाइए। अभी मैंने आपके चैनल के माध्यम से अपने पूज्य संत स्वामी कैलाशानंद जी को भी सुना था, उनका जब सुनना था तो उनके यहाँ पर जो पता 250 लोग उनके यहाँ पर सेवक है तो किसी को भी कोरोना नहीं हुआ था, क्यों? क्योंकि गाइडलाइन पालन किया हुआ था। गाइडलाइन हुआ, कुंभ हमारा आस्था का पर्व, कुंभ के कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बहुत ही गलत प्रचार किया गया और हमारे साधु संत, ये हमारा 12 वर्ष में एक बार कुंभ आता है, बहुत शांतिपूर्वक हुआ और बहुत ही व्यवस्थित हुआ। मैं यहाँ की अपनी उत्तराखंड सरकार को और भारत सरकार को जो सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ है, बहुत बहुत बधाई के पात्र है। संजय जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर आकर के इस कोरोना को कैसे निपटा जाए, कैसे इसको खत्म किया जाए, उसके लिए उन्होंने लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन तो लगाया ही, उन्होंने स्वयं भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए बागेश्वर जिले में जो बागेश्वर का हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल, उसमें स्वयं गए और किट पहन करके उन मरीजों के पास गए जो स्वयं कोरोना से बीमार थे, उनको देखा, देख करके आए तो लोगों को डर लगा, कहना भाई ये मुख्यमंत्री जो सीधे कोरोना के पास चले, कोरोना के व्यक्ति के पास चले गए, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि ये मेरे सब अपने हैं, मैं अपनों की चिंता नहीं करूंगा तो कौन करेंगे। ऐसे मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत ही धैर्य पूर्वक, बहुत ही समझदारी से इस प्रदेश को संभाला और आज स्थिति ये है कि यहाँ पर जो तेजी से गति से वो कोरोना बढ़ रहा था वो शांत हुआ, रुका, और अब तो मिनिमम बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर हमारे धीरे धीरे सभी प्रतिष्ठान खुल गए हैं, व्यापारी अपना काम भी करने लगे हैं, धीरे धीरे अपनी बसें भी चल रही है, सारी व्यवस्था अपने स्तर पर आ रही है। ऐसे मेरे राकेश गिरी जी, अगर अगर क्योंकि लगातार बहुत सारे सवाल वहाँ रहे हैं, हम देखें तो उत्तराखंड के अंदर एक बात ये जरूर है कि जो कार्य अब की बार पुलिस ने किया, डॉक्टरों ने किया, बहुत अच्छा कार्य किया और लगातार सराहना भी हो रही है। ऐसे में क्योंकि जितने भी संगठन हैं, चाहे वो कांग्रेस संगठन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन है, संगठनों ने भी अपनी भूमिकाएं निभाई। उस भूमिका को अगर हम देखें, क्योंकि एक ऐसी महामारी थी जो मिलजुल कर ही इससे पार पाया जा सकता है, हर किसी को इसमें आगे आना था। आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहे और चलते रहेंगे, वो तो क्योंकि एक राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन अगर उससे अलग हटकर हम बात करें तो उत्तराखंड में क्योंकि आप भी ओबीसी मोर्चे के अंदर हैं और लगातार जिस तरीके से आपने संगठन का फैलाव किया है, संगठन के अंदर बड़े लोकप्रिय आपको लोग मानते हैं और संगठन पर मजबूत पकड़ भी आपकी रही है, तो ऐसे में जो संगठन के कार्य हैं, क्योंकि उसमें योगदान बहुत जरूरी है, तो ओबीसी मोर्चे के लोगों के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए जिससे कोरोना जैसी महामारी के बीच में लोगों को मदद दी जा सके? क्योंकि सारे कार्य अगर सरकार ही करेगी, सारे कार्य पुलिस वाले करेंगे, तो फिर ये संगठन किस नाम के, केवल वोट मांगने के लिए? जी संजय जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको ये जो आपने पुलिस वालों की, स्वास्थ्य विभाग की जो आपने बात कही है, ये तो बहुत ही बहुत बधाई के पात्र है। और ये देखा जाए जो सफाई स्वस्थ है, जो स्वच्छ कारक है, जो सफाई कर्मचारी भी है, जो किसी की बॉडी उठा करके उसमें एम्बुलेंस में रख रहा है, एम्बुलेंस चालक भी है, वो कितना बड़ा काम उन्होंने यहाँ पर किया है,
वो भी एक सेवा का काम उन्होंने मान करके किया। पुलिस भी अपना काम कर रही थी, कैसे लोगों को समझा रही थी, हर विभाग का अपना काम रहा। ऐसे ही मेरे यहाँ के जो, मैं ओबीसी मोर्चे की बाद में बात करूंगा, जो आपने कहा यहाँ के मेरे सांसद जी, जी जो खुद कोरोना ग्रसित हो गए डॉक्टर निशंक जी, तो उन्होंने जिस समय कोरोना से जीत करके पहले उसमें आए, अब वो दोबारा भी अस्वस्थ हो गए थे, तो मगर भगवान की माँ भगवान बद्री केदारनाथ जी का आशीर्वाद है कि उनको बहुत जल्दी स्वस्थ भी करेंगे, तो उन्होंने तुरंत स्वस्थ होते ही 2,10,06,000 रुपया तुरंत कोरोना के जितना भी यंत्र आए उसके लिए यहाँ पर हरिद्वार के लिए और ऋषिकेश और देहरादून के लिए अपनी स्वीकृत किया उन्होंने। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ही मेरे नैनीताल के जो हमारे सांसद है अजय भट्ट जी, उन्होंने भी किया। ऐसे हमारे जो 5 सांसद है सबने किया इस काम को, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने कोई भी कोरोना के समय कोई राजनीति नहीं गई, एक बहुत बड़ा मन करके समाज मेरा कैसे बचे, कैसे हर व्यक्ति की जान बचे, ऐसे मेरे यहाँ के सांसदों ने भी किया। सांसदों ने नहीं किया, मेरे यहाँ के जो विधायक है उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इससे लिया, यहाँ के मंत्रियों ने लिया, यहाँ के हमारे संगठन के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरा सहयोग किया, हमारे यहाँ के संगठन मंत्री जी लगे पड़े अपने सब जगह पूरे क्षेत्र में प्रवास करने में लगे हुए, बहुत हमारा संगठन यहाँ पर लगा हुआ। संजय जी, ये मेरा संगठन है, मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे संगठन के पदाधिकारियों के साथ जुड़ा हूँ और उनकी उंगली पकड़ के मैं चल रहा हूँ और मैं एक तरह से उनसे सीख रहा हूँ कैसे संगठन को आगे बढ़ा जाए, कैसे संगठन काम किया जाए, ये मैं उनसे सीखा। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का हर कार्यकर्ता जो उत्तराखंड का रहने वाला है, हर जिले में, चाहे वो चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, अल्मोड़ा हो, चाहे हमारा उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, देहरादून हो, पौड़ी हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, सभी जगह हमारे प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता तो लगे ही, हमारे हमारे भाजपा के सारे कार्यकर्ता लगे। और मैं एक दूसरा और विषय बताऊं आपको कि इसमें ये पार्टी ने तो काम किया ही, अनेक सामाजिक संगठन जैसे हमारा सेवा भारती है, सेवा भारती ने कितना बड़ा काम किया है, मैं कहता हूं हर जगह उन्होंने ब्लॉक स्तर तक उनके वहां पर अपने हॉस्पिटल्स बन गए थे लोगों की सुविधा के लिए, भाई यहाँ पर आप एडमिट हो, जहां पर जगह नहीं मिली थी स्थान दिलवा रहे थे उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उपलब्ध कराई, आईसीयू कराए, हॉस्पिटल बढ़ाए, बेड बढ़ाए, इतनी बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं करी है कि उत्तराखंड अपने आप में एक तरह से महामारी से अपने आप को जो बचा पाया, ये मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के संगठन जो समन्वय बना उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित कर पाए। और मैं संजय जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से इस विषय को कहना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से हम लोगों को अपने चैनल पर बुलाया और ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और सभी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से काम कर रहे हैं इस समय कोरोना काल में, सभी को बधाई देता हूँ। व्यक्ति को बचाओ, समाज को बचाओ, इस महामारी से सभी को बचना है, 2 गज की दूरी रखना है, मास्क लगाना है। मैंने मास्क इसलिए उतारा हुआ क्योंकि मैं सामने हूँ, मैंने रखा हुआ अपनी जेब में भी। हाथ को बार बार धोना है, सैनिटाइज करना है। कोई घर पर भी आए मेरे तो उसको कहे भैया शर्म किसी बात की नहीं, जूते बाहर निकालो, हाथ बाहर धो और मेरे घर पर आकर बैठो, चाहे क्यों कोई बात नहीं, तुझसे भी दूरी बना करके बैठेंगे तो मेरा देश भी सुरक्षित रहेगा और ये कोरोना भागेगा और बहुत अच्छी तरह से मेरा भारत विजयी होगा। राकेश जी, क्योंकि बहुत सारी बातें आपने बताई, अगर हम देखें ब्लड बैंक की व्यवस्था के लिए लगातार कैंपिंग चल रही थी, उसके अंदर क्या कार्य, अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हुए, वहाँ पर भी लगातार कैंप लग रहे थे। और एक चीज़ और यहाँ देखने में आई कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर अब की बार ब्लड बैंक के कैंप लगवाए। क्या कहना चाहेंगे आप, कितना जरूरी है जो ब्लड बैंक है किसी भी राज्य के लिए? जी, मैं बहुत बहुत आपका संजय जी इसमें आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपने जो प्रसन्न किया है, ऐसा प्रसन्न कर लिया जिसका व्यक्ति को बहुत ही जरूरत है। क्योंकि जिस समय व्यक्ति अंतिम उसमें होता है, डॉक्टर कहता
ब्लड लाओ और ब्लड नहीं मिले तो वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। मेरे देश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यह अभियान आज से नहीं है पिछले कोरोना काल से चालू किया था उन्होंने, और उन्होंने जगह जगह जाकर के युवाओं को प्रोत्साहित किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के कार्यकर्ता, हमारे महिला मोर्चे के कार्यकर्ता, हमारे ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ता, हमारे एससी मोर्चे के कार्यकर्ता, हमारे मैन बॉडी के जितने भी कार्यकर्ता, सब ने मिलकर के एक बहुत बड़ा व्यापक अभियान लिया और हर स्थानों पर ब्लड की व्यवस्था कराई और ब्लड डोनेट किया। युवाओं में इतना उत्साह था कि सब कह रहे थे, जहां पर भी लगते था ब्लड कैंप तो जरूरत भाई इतने की है तो उससे डबल लोग पहुंच जाते थे। ऐसे उत्साह करके युवाओं ने इस ब्लड की व्यवस्था कराई है और उत्तराखंड में ब्लड की कोई कमी नहीं आने दी उन्होंने हर जगह से। और मैं तो आदरणीय त्रिवेंद्र जी को भी इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस अभियान को लिया था वो बधाई के पात्र है। और एक जगह तो मेरे माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय पीएल संतोष जी भी उस कार्यक्रम में गए थे, यहाँ पर आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री अजय जी भी उसमें गए थे, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी, तो उनके माध्यम से उनके सबके दिशा निर्देश में ब्लड की व्यवस्था बहुत अच्छी हमारे प्रदेश में हुई है और कहीं पर भी कोई कमी ब्लड की व्यवस्था की कमी नहीं है हमारे प्रदेश में, ऐसा मैं संदेश बिल्कुल गर्व साथ। लगता है होने भी नहीं चाहिए। अगर हम बात करें ऑक्सीजन को लेकर हरिद्वार में, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जिस तरह से पिछली बार सवाल खड़े हुए थे राकेश गिरी जी, और रुड़की में खासकर बड़ा बवाल भी उस चीज़ को लेकर हुआ था ऑक्सीजन को, अब ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है? क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा था कि डॉक्टर निशंक खुद उस पर नज़र बनाए और उन्होंने नाराज़गी भी जताई थी उस दौरान कि ऑक्सीजन की मेरे क्षेत्र में कमी नहीं थी, फिर कैसे इस तरीके की स्थिति आई, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब अग्रिम जो व्यवस्था है उसकी तैयारी कितनी हुई है? जी अग्रिम मैं कह सकता हूं कि उस समय ऑक्सीजन जिस पर्याप्त मात्रा में चल रहा था, हमारे डॉक्टर्स लोग, हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में की हुई थी और हर जगह कहीं पर भी किसी ऑक्सीजन की कमी फिराने नहीं थी और हर जगह उनके प्लांट लगे। अब तो ऑक्सीजन की व्यवस्था ये हो गई कि हमारे रुड़की में भी ऑक्सीजन का प्लांट यहाँ पर चालू हो गया है, हरिद्वार में हो गया, उधम सिंह नगर में, देहरादून में, हर जनपदों में ऑक्सीजन खुद हम लोग बनाने लगे और बाहर से भी हम लोग इतनी तरफ बना रहे कि बाहर भी सप्लाई हम कर सकते हैं, इतने हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था है। और ये मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्य शैली के ऊपर है कि उन्होंने कितना बड़ा व्यापक इसको बनाया, खुद जा करके वो निरीक्षण भी कर रहे हैं, आईसीयू की निरीक्षण कर रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ पर का प्लांट तैयार हो चुका है उसकी व्यवस्था पूरी बन गई है, सब जगह बन गई है, ऑक्सीजन की कहीं कमी हमारे प्रदेश में नहीं है। बिल्कुल, और होनी भी नहीं चाहिए कमी। अगर हम देखें राकेश जी, क्योंकि समय आपका भी बड़ा कीमती और आज आपने अपना समय हमें दिया, अपने उत्तराखंड ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे और जनता को क्या कहना चाहेंगे कोरोना से बचने के लिए? जी मैं संजय जी, मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ताओं से, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी समाज बहुत अधिक मात्रा में हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, उत्तरकाशी में, कुछ देहरादून में, नैनीताल, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर ओबीसी समाज के बहुत अधिक मात्रा में लोग कार्यकर्ता लोग रहते हैं। मैं उनसे एक आग्रह करूँगा, जो भी युवा वर्ग है, जो भी अपना रक्त दान कर सकता है स्वयं की प्रेरणा से, एक तो वो करे, एक दूसरे जहाँ पर भी कोई ऐसा जरूरतमंद है इस कोरोना काल में, क्योंकि मैं भी अभी एक कार्यक्रम में गया था हरिद्वार में भी, वो अभी एक कश्यप समाज के जो हमारे ओबीसी समाज के बंधु है, उन्होंने बहुत अच्छा 20 दिन से भोजन का काम किया हुआ था और एक माता जी, अच्छा परिवार था उनका, मगर स्थिति ठीक नहीं थी, वो वहाँ पर भोजन लेने प्रतिदिन आती थी, मेरा परिचय भी हुआ, मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा बहन पूरी व्यवस्था हमारे लोग कर रहे हैं, आपकी कहीं पर कोई जरूरत हो तो हमें बताना, तो उसको भी बहुत सराहा गया। और सभी ओबीसी मोर्चे कार्यकर्ताओं से मैं अपील करूँगा कि आप सभी मिलकर के इस कोरोना के दूरी बनाते हुए समाज में एक सेवा भाव का काम करेंगे और सेवा भाव के साथ साथ हर व्यक्ति की कहाँ मदद कर सकते हैं ये अपने स्तर से आप लोग मदद करें। तो मैं उन सब सब यही प्रार्थना करूँगा, उनसे यही अपील करूँगा कि सभी लोग खड़े होकर के अपने समाज को, अपने बराबर को देख करके, मेरा व्यक्ति बराबर वाला है कि दुखी तो नहीं है, उसको भी ठीक रखें, उसकी सहयोग करें, उसका मदद करें, ऐसे मेरे ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ता उसको मैं अपील करूँगा। और वैक्सीन के लिए भी हम चाहेंगे कि आप अपने लोगों से अपील करें राकेश जी।
वैक्सीन के मामले में अभी मैं आपको बताऊं संजय जी, हमने जिस समय वैक्सीन शुरू हुई, हमारे ओबीसी के कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर के वहां पर जो भीड़ लगी हुई थी उसको वहां पर संभालने का काम किया, और जो वहां पर वैक्सीन वाले आ रहे थे क्योंकि वो धूप में भी खड़े होते थे, उनको पानी की, उनको जलपान की व्यवस्था भी वो हमारे कार्यकर्ता उनको मास्क लगा करके, दूरी बना करके उनकी व्यवस्था करते थे, और वैक्सीन लगाने में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम अभी भी कर रहे हैं। अपने जो बड़े बुजुर्ग है और जो हमारे 18 प्लस वाले सब बंधु है उनको भी उत्साहित कर रहे हैं भाई वैक्सीन लग। बिल्कुल, और ये हमारे साथ थे राकेश गिरी जी, क्योंकि आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जी, ये हमारे साथ राकेश गिरी जी थे, उत्तराखंड बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। और संगठन की दृष्टि से अगर देखा जाए, लगातार ये प्रयास करते रहे, कोरोना के वक्त जिस तरह से इनकी टीम ने मोर्चा संभाला उसकी बड़ी तारीफ भी हुई, और आज वो भी यही कह रहे हैं कि सब लोग मिलजुल कर इस कोरोना की लड़ाई को लड़ें और इससे जीतने के लिए जो सामूहिक प्रयास हैं वो होने चाहिए। कहीं ना कहीं इसी तरीके के प्रयासों से इस कोरोना से जीता जा सकता है। और आज हम यही कहेंगे कि आपको अगर कोरोना जैसी महामारी से लड़ना है, जीतना है, तो आपको भी एकजुट होकर इससे लड़ना होगा, मास्क लगाना होगा, हाथ धोने होंगे, खासी वैक्सीन लगानी होगी, अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद।